मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और भक्तिमय कथा लेकर आई हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। साथियों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव मृत्यु लोक पर सांसारिक लोगों को आपस में वार्तालाप करते देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, लोग इतना कर्म कांड करते हैं, आपको इतना मानते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें उनकी आस्था का फल नहीं मिलता। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को उत्तर दिया कि हे देवी, धार्मिक कर्म कांड होने पर भी मनुष्य के जीवन में आडंबर छाया हुआ है, वह दिखावा ज्यादा करता है, यही उसकी अनास्था का कारण है। लोग धार्मिकता का दिखावा ज्यादा करते हैं, उनके मन वैसे नहीं हैं, लेकिन माता पार्वती के मन को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया और बोली कि धरती पर जाकर परीक्षा ली जाए। तो भगवान शिव भी माता पार्वती जी की शंका का समाधान करने के लिए धरती पर आ गए। माता पार्वती मंदिर की सीढ़ियों के समीप अपने पति भगवान शिव को कोढ़ी के रूप में लेकर बैठ गईं और दानदाता जो मंदिर में दर्शन के लिए आते, वो मंदिर में ऊपर जाने से पहले उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देखकर उनके दर्शन करने रुक जाते। वहां कुछ पल माता पार्वती को देखते, फिर भगवान शिव के कोढ़ी रूप को देखते और भगवान शिव को घृणा की दृष्टि से देखते और दूसरी ओर मुख करके आगे बैठ जाते। कुछ दानदाता तो ऐसे भी आए जिन्होंने कुछ देर रुककर माता पार्वती के सुंदर रूप को देखा और उन्हें इशारे भी करते रहे कि क्यों इस कोढ़ी पति के साथ बैठी हो, चलो हमारे साथ, क्यों नहीं चलती हो, इन्हें छोड़ दो, हम तुम्हें पूरी सुख सुविधा देंगे। माता पार्वती जी ये सब देखकर बहुत दुखी हुईं। वे उन सब की ऐसी हरकतों को देखकर सहन नहीं कर पाईं और भगवान शिव जी से बोली, प्रभु चलो अब कैलाश को लौट चलें, इन पाखंडी लोगों का इससे अधिक बुरा रूप मुझसे देखा नहीं जाता। इतने में ही एक दीनहीन भक्त वहां आया। उसने मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों के पास बैठे माता पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माता आप धन्य हैं जो पति परायण हैं, इनकी सेवा में लगी हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इनके पैरों को धो दूं, फिर मेरे पास जो भी कुछ भोजन है उसे यहाँ पर हम साथ साथ खा लेंगे। उस ब्राह्मण यात्री ने घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी और उन्हें भोजन थमाकर पुनः प्रणाम करके जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही भगवान शिव जी ने कहा, देखो देवी, यही है एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा धर्म को प्रधानता दी है। हे देवी, ऐसे लोग गिने चुने ही होते हैं, बाकी लोग तो सब आत्म प्रवचना भर करते हैं। अधिकतर लोगों में या तो दिखावा रहता है और या तो उनके अंदर इतना पाप बढ़ जाता है
कि वो दिखावा भी नहीं कर पाते। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने अपने वास्तविक रूप के उस व्यक्ति को दर्शन दिए और परम गति का अनुदान दिया और अपने भक्त को कृतार्थ करके वो कैलाश पर्वत पर वापस लौट गए। तो साथियों, इस संसार में भगवान पता नहीं किस रूप में हमारे सामने आ जाएं, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान हम सबकी परीक्षा लेते रहते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे का मजाक या हंसी नहीं उड़ानी चाहिए और ना ही किसी को दुख देना चाहिए। साथियों, आशा है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कथा लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।